Good morning, everyone. My name is Somesh Patak, Assistant Professor, Department of Management Studies. The topic of today's discussion is Principles of Management, starting with Division of Work. Segregating work in the workforce amongst the workers enhances the quality of the product. It lessens the time and improves the efficacy. The division of work improves the productivity, efficiency, accuracy, and speed of the workers. This principle is अप्रोप्रिएट फॉर बोथ द managerial एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल Divisional वर्क से हम क्या समझते हैं कि सपोज़ आपके पास कोई एक बड़ा काम है एक प्रोजेक्ट के डेडलाइन है उसमें एक टीम मेम्बर्स हैं आठ लोग हैं और हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपने अपने स्किल में काफ़ी कॉम्पिटेंट है तो आप डिविज़नल वर्क कैसे करोगे आप जो उस बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर स्किल जिसकी है उसको वो काम दे इससे क्या होगा इससे ये होगा कि एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी आखिर इम्प्रूव होगी टाइम कम लगेगा और प्रोडक्टिविटी आएगी काम में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दीज आर द टू की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसिशंस सुपरवाइज द वर्क एंड मैनेज द वर्किंग कंडीशंस वेर एस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स दैम अकाउंटेबल फॉर द वर्क डन एंड हेल्प्स इन इनकलकेटिंग द सेंस ऑफ ओनरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अथॉरिटी एक लेवल एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक देते हो किसी इंडिविजुअल को और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो तो ये दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं आप अथॉरिटी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करो डिसिप्लिन अब डिसिप्लिन की अगर हम बात करें इट इज़ जनरली सेड दैट विदाउट डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन नथिंग कैन बी अचीव्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्पलिस्ड it is the core value for any project to be done in a defined deadline it makes the job easy and comprehensive it makes the employee effective and time bound the manpower wastage is minimum up uh, discipline discipline se kya matlab hota hai कि आप किसी इम्प्लॉय को काम करने के लिए प्रेरित करते हो उसे बताते हो कि उसे काम कब करना है कैसे करना है एम्प्लॉय का इंटरनल डिसिप्लिन होता है जो कि एक पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करवाता है द फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड दिस मीन्स दैट एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो द कमांड ऑफ हिज ओनली इफ एन एम्प्लॉय टू फॉलो मोर देन वन बॉस देर बिगिनस अ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एंड कैन क्रिएट कंफ्यूजन दे वन इंडिविजअल मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर this helps the person in making quick decisions and the scope of ambiguity is less. अब organization में suppose if I talk about myself, if I am working in a uh, suppose tool tool room एक ऑर्गेनाइजेशन में टूल रूम में मैं काम कर रहा हूँ तो टूल रूम का एक मैनेजर होगा अगर मैं उस मैनेजर को के अलावा किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ और directions दोनों से लेता हूँ तो मेरे काम में efficiency भी नहीं आएगी मेरा काम delay होगा और जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे वो टाइम से अचीव नहीं कर पाएगी तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है इसका मतलब कि एक किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर बॉस होना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड की हमने बात कर ली अब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखते हैं एनी वन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड गोल इफ द ऑब्जेक्टिव आर प्री डिफाइंड देन देर इज लेस टॉक एंड मोर वर्क द एम्प्लॉई मस्ट नो how to go about a particular goal that is already decided by the company. Unity of direction से मतलब है कि आपको अपना आपका path clear होना चाहिए एक particular achieve uh, project या deadline को achieve करने के लिए एक path decided होता है जो कि एक team decide करती है bosses decide करते हैं and you as a team member decides. अगर उस आप उस path से deflect होते हैं तो आप जो आपने डिसाइड किया था एक पर्टिकुलर टाइम uh, पे काम करने का वो आप नहीं कर सकते और इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफा करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसका मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट शुड नॉट बी गिवन सुपेरियोरिटी इफ इट डज नॉट अलाइन विद द कंपनीज इंटरेस्ट होल ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल एंड कंप्लाई विद द वर्जन ऑफ द कंपनी दिस रेफर्स टू द होल चेन ऑफ कमांड इन अ कंपनी दस

तो कंपनी की जो कोर वैल्यूज़ हैं जो विजन है जो मिशन है, जो है आ, 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 आपके गोल को अचीव करने का वो सफ़र करेगा इसमें हम कंपनी के अगर हम बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी एक बोर्ड मेंबर का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जो कि कंपनी के विजन से अलाइन नहीं करता है तो हम उसे सुपीरियर superior, सुपेरिटाइज uh, नहीं करेंगे वहाँ पे उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सबॉर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है रिम्यूनोरेशन नाउ दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स फॉर एम्प्लॉयज मोटिवेशन टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी फेयर एंड जस्ट सच दैट इट सर्व्स फेयर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कहने का मतलब ये रिम्यूनोरेशन अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके टैलेंट उसके स्किल्स uh, उसके कोर कॉम्पिटेंसी के बेसिस में मिलना चाहिए वहां पर कोई भी अनजस्ट या uh, डिस्क्रिमिनेशन uh, जैसी कोई अगर बीच में आ जाती है तो वो एक काम को सफ़र करता है और वो एक पर्टिकुलर इंसान के काम को सफ़र करना मतलब पूरे टीम सफ़र करेगी टीम सफ़र करेगी तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपने गोल सेट किए हैं उन्हें अचीव करने में प्रॉब्लम होगा और फेयर एंड जस्ट रिम्यनिशन से मतलब होता है कि एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम ना हो वो पर्टिकुलर रेम्यूनेशन देने में ना एम्प्लॉय को इशू हो वो रिसीव करने में प्रॉपर रिम्यूनोरेशन डिपेंड्स ऑन सर्टन पैरामीटर्स लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उस पर्टिकुलर एरिया का डिमांड ऑन सप्लाई कैसी है लेबर की स्किल्स रिक्वायर्ड क्या हैं आपने रिसीव क्या किए हैं उन दोनों पे उन सबका जो सिनर्जी होगी उसे मेंटेन करके चलना है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसिस डन बाय द कंपनी शुड बी सच दैट इट डज नॉट ब्रिंग लॉस टू द कंपनी अल्टीमेटली जो कंपनी पैसा खर्च करती है किसी इंडिविजुअल पे उससे उसे लॉस नहीं होना चाहिए अगर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और उसको किसी एक इंडिविजुअल को पैसा देने से कंपनी का काम प्रॉफिटेबल हो रहा है तो कंपनी कभी भी कतरती नहीं है पैसा देने से नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सब तो सुपीरियर्स शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इन प्लेस ऑफ नो डिसन there has to be a mix and match of decision making among the different levels of management <coughs> what it means is company mein sari process sirf ek particular individual ya ek ek uh, defined individual hi decide nahi karega agar aisa karta hai to ek it gives a sense of dictatorship ek anarchy establish ho jati hai kisi company ke andar अगर एक team काम नहीं कर रही है अगर वो decision team में team के through नहीं आ रहे हैं कोई कोई भी आपका decision तो वो एक अनार्कज़म को प्रमोट करता है तो सुपर सुपरवाइज शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिशीजन्स ठीक है जो इम्पोर्टेंट डिसीजनस हैं जो उनके हाथ में हैं जो जिसके लिए उन्हें की पोजिशंस दी गई हैं वो डिसीजनस खुद लें वाइल द अथॉरिटी टू टेक डेली डिसीजन एंड डिसीजन ऑफ लेस इम्पॉर्टेंस शुड भी डेलीकेटेड इन टू दबॉर्डिनेट्स दिस विल इंटायरली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड साइज ऑफ इट अब ऐसा नहीं है कि, कि किसी भी कंपनी में आप हर काम डेलीगेट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि नेचर बिजनेस का नेचर क्या है उसका साइज क्या है उस उसको किस तरह की ऑडियंस को कैटर कर रहा है ये सब उस पर भी मैटर करता है स्केलर चेन इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन अ प्रॉपर लाइन ऑफ चेन नीड्स टू बी फॉलोड बिकॉज ऑफ दिस क्लियर सिस्टम ऑफ हो रिपोर्ट्स टू होम कम्युनिकेशन बैरियर विल बी रिमूव्ड एंड द problems विल फाइंड a, a सोल्यूशन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर Scalar चेन काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में स्केलर एन वैक्टर स्केलर चेन का मतलब है एक 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 आपकी डिसाइडेड लाइन है आप उसे फॉलो कर रहे हो आप उसको अगर तोड़ के जाते हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं काम में आपका सुपीरियर को आप इग्नोर करके उसके सुपीरियर के पास जाते हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डिसइंटरेस्ट आता है डिससेटिस्फैक्शन आता है और काम में प्रॉब्लम्स uh, आती हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो अचीव जो गोल करने है उनका जो डिसाइड किया हुआ है वो अचीव नहीं हो पाता तो इंडिविजुअल भी सफ़र करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो भी सफ़र करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर इसका मतलब है अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट द राइट जॉब एट अ राइट टाइम किसी को कभी भी कहीं पर भी ऐसे ही आप किसी इंडिविजुअल uh, को प्लेस नहीं कर सकते उस इंडिविजुअल की एक राइट right प्लेस होती है उस राइट right टाइम में उसे वहाँ भेजा जाता है सो दैट के एक राइट right काम किया जा सके दिस कैन वर्क बोथ इन केस ऑफ मटीरियल एंड मैन कहने का मतलब जो आप सपोज एक राइट इन्वेंट्री है एंड द राइट पूल ऑफ लेबर एट द राइट टाइम विल इम्प्रूव इट्स प्रोडक्टिविटी एंड विल रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट दैट गोज इन द सर्चिंग फॉर द राइट फिट इट मीन्स कि अगर आपके पास इन्वेंट्री है हम दोनों की यहाँ पर के टर्म से बात करेंगे मैन एंड मटेरियल इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री को आपने पूरे यूज़ करना है सो so दैट कि नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट आप शुरुआत करें आप इनिशियल ज़ीरो से शुरुआत करें अगर इन्वेंट्री बची हुई होती है तो उसे कंज्यूम कराना मुश्किल हो जाता है वैसे ही अगर आपके पास पूल ऑफ लेबर है जिसमें आपके पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं उन्हें आप राइट टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कंपनी के ही एक्सपेंसेस को सफ़र करा रहे हो So, maintaining these two orders properly will ensure that everybody knows their workplace, what he is to do, and consequently, all the available resources in the organization will be utilized properly. Equity. It translates to the point that managers should treat their subordinates in a just and kind manner so that they develop a feeling of dedication and attachment for their work. Kisi bhi, uh, individual ko. इ रिस्पेक्टिव वो किस लेवल पे काम कर रहा है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में उससे आप अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो एक सेंस ऑफ एनिमोसिटी एक सेंस ऑफ डिसैटिस्फैक्शन वो क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में और उससे काम सफ़र करता है सो द अनइक्वल बिहेवियर इन अ कंपनी गिवस बर्थ टू कोअर्शन डिससेटिस्फैक्शन लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट विच अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट्स ऑफ द कंपनीज प्लेस इन द Um, हम कहते हैं गुडविल मेंटेन करना कोई कंपनी अपनी गुडविल कैसे मेंटेन करता है उसके इंप्लॉयज़ को कैसे वो ट्रीट करता है वो चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्ट होगी कैसे जब आप अंदर ही उस तर, उस चीज़ को आप अच्छे से हैंडल करोगे सो डूइंग दिस गिव्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड दिस एट द एंड एंड बेनिफिट्स द कंपनी एज अ होल अगर आप ऐसे किसी को ट्रीट uh, करते हो एक अपनापन की तरह ट्रीट करते हो तो उससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है इरिस्पेक्टिव कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है कंपनी में ये ह्यूमन uh, बिहेवियर सब एक्सपेक्ट करते हैं और अगर उन्हें ऐसा मिलता है तो एक बिलोंगिंगनेस आती है उन्हें लगता है कि वो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली कंपनी का ही बेनिफिट होता है अगर आप होलिस्टिक uh, अप्रोच में उसको लेके कर चलें तो स्टेबिलिटी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक जॉब uh, की सिक्योरिटी तो एम्प्लॉय जो डिलीवर्स अब तभी अपना बेस्ट कर पाएगा इफ अगर उसे फीलिंग आएगी कि उसकी जॉब सिक्योर है सो टॉकिंग अबाउट इट एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट If they feel secure in their job, it is the duty of the management to offer job security to the employees. There should be stability of tenure of the employees so that work continues efficiently. High rate of attrition results in increased expenses as the funds and time goes in recruiting them again and again. Hoga kya agar aap kisi a competent person ko agar aap retain to लेकिन आपको रिक्वायरमेंट तो है किसी जो आपको जो आप जो गैप आपने क्रिएट कर दिया वो आपसे आपको फुलफिल तो करना है आप दोबारा चलिएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपने दोबारा कंडक्ट कराई ट्रेनिंग आपने फिर से दी उसमें जो आपका पैसा जाता है टाइम जाता है कंपनी का उससे अल्टीमेटली जो एक गोल होता है अचीव करने का वो भी तो सफर करता है इससे क्या है द नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स पुट इन ऑल्सो कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इफ द इम्प्लॉय डज नॉट फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिस फेयर ऑफ स्टेबिलिटी हेम्पर्स विद यबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड परफॉर्म अ टास्क विद फुल डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन अब इससे पहले हम डिसिप्लिन की बात करी वो डिसिप्लिन तभी अचीव हो पाता है जब कोई एम्प्लॉई अपनी जॉब को लेकर सिक्योर है अगर वो उसे पता है कि उसकी जॉब स्टेबल है तो अपना जो टास्क उसको मिला है एट हंड वो उस पर पूरा हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सकता है और वही फुल डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन से वो एक पर्टिकुलर एम अचीव कर पाएगा इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे है इट मीन्स द कैपेसिटी टू वर्क वाइल एक्सप्रेसिंग वंस थाट्स अब जी हजूरी तो करनी नहीं किसी कंपनी में अगर वही होती रहेगी तो कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा कहने का मतलब ये कि एक ये ड्यूटी हो जाती है एक मैनेजर की कि अपने आ, जो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पास उनके अंदर एक एक फीलिंग डेवलप हो कि हाँ उनकी बातों का भी आ, एक मान रखा जाता है उनकी बातें मानी जाती हैं सो इनिशिएटिव से हम समझते हैं कि एक मैनेजर को ही ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके अंदर इम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनके थॉट्स को उनकी थॉट प्रोसेस को आगे तक पहुंचाया जाए अगर ठीक है की पोजिशन तक नहीं भी पहुँचाते हैं तो एटलीस्ट उनकी बातें सुनी जाए इससे क्या होता है इससे एम्प्लॉय को अपनापन वही ओनरशिप की एक जो फीलिंग है वो आ जाती है और वो काम अपने अच्छे तरीके से करता है अब ये कैसे होगा इट विल बी पॉसिबल ओनली वैन द मैनेजर विल वेलकम द ऑफ हिज और हर सबॉर्डिनेट्स बाई डूइंग सो सबॉर्डिनेट्स विल प्रेजेंट न्यू एंड यूजफुल आइडियाज टाइम एंड अगेन एंड ग्रेजुअली दे विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू आइडियाज दिस एस्पेक्ट इंक्रीजिज द थिंकिंग पावर ऑफ द इम्प्लॉयज एंड एमिकेबल एटमोसफेयर इज क्रिएटेड एंड सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कम्स फ्रॉम विद इन अब आपने इनिशिएटिव दे दिया उससे आपके तीन चार जो फैक्टर्स हैं उन्होंने एस्पेक्ट्स हैं उनको केटर हो गया इससे हुआ क्या जो एटमोसफेयर था ऑर्गेनाइजेशन का वो एक एमिकेबल हो गया फ्रेंडली हो गया और आपने उसके आइडियाज़ को सुना तो उससे अपनी एक वर्थ पता चली कि हाँ वो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं जो आइडियाज़ दे रहा हूँ उसकी वैल्यू हो रही है और एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी वो उसे फील हुआ अल्टीमेटली उसे एक ये फीलिंग आ जाती है कि मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आगे के एक पर्टिकुलर पॉलिसी लेवल पे अप्रोच किया गया है एस्पिरिट द क्रॉप्स एस्पिरिट द क्रॉप्स का मतलब है टीम आ मैनेजर्स शुड कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग द सबॉर्डिनेट्स टू डू दिस वी मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ मी हम जितना ज़्यादा टीम में वी एक वी जो डब्ल्यू ई -E को हम प्रॉपिगेट करेंगे हम जितना ज़्यादा उसकी तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा मी मैं वो वाली हम उसको कम कर पाएंगे इससे क्या होगा कि टीम एफर्ट झलकेगा अब किसी भी कॉन्वर्जिशन में जब आप सबॉर्डिनेट से बात करते हैं कंपनी में तो वी हम जब ले कर बात करेंगे तो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है दिस एस्पेक्ट डेवलप्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डेवलप होता है एंड ट्रस्ट लीडिंग टू पॉजिटिव आउटकम्स सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इन अचीविंग दर्गनाइजेशन इज गिवन इम्पोर्टेंस अब हमने फ़ेल के फ़ोर्टीन प्रिंसिपल्स तो डिस्कस कर लिए ये uh, 14 प्रिंसिपल्स डेली फंक्शंस में यूज़ होते हैं कि मैनेज काम कैसे करना है और कंपनी में एक डेली एक्टिविटीज़ में हम काम कैसे करते हैं फेोल ने फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे जो काफ़ी ब्रॉड स्केल में यूज़ किए जाते हैं द फर्स्ट इज़ प्लानिंग प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक दो साल के प्लान नहीं बनते दस टेन टू फिफ्टीन ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स के प्लान्स बनते हैं जिसे हम विजन बोलते हैं तो प्लानिंग उस तरीके से की जाती है सो दैट कि एक फ्लेक्सिबल एक्शन प्लान बनाया जाए और ये फर्म्स के रिसोर्स को वर्किंग प्रोग्रेस को और फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को नज़र में रख के बनाया जाता है प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग इट केटर्स टू एवरी थिंग दैट इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू अचीव द लेड आउट प्लान ऑफ एक्शन आपने प्लान तो कर लिया अब उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए द प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजिंग जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उस प्लान को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज मैन मटीरियल वेल्थ लैंड लेबर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी दैट प्रोसेस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग द थर्ड इज कमांडिंग अब आपने प्लान कर लिया ऑर्गेनाइज कर लिया ये हैपोजिट तरीके से करेंगे तो काम हो नहीं पाएगा तो इसलिए कमांड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम पीपल अगर कमांडिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो सारा काम हैपोजिट वे में चलेगा कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा इसलिए कमांडिंग अथॉरिटी इज़ वेरी इसेंशियल सो इट मीन्स गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम पीपल सो दैट मैनेजर्स मस्ट नो देर एम्प्लॉयज टैलेंट्स डेलीगेट द वर्क एज पर द एम्प्लॉय स्किल सेट्स टैपिंग द कॉम्पिटेंसी एंड कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स अगर ये चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं हुई तो उस प्लान को करने का उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का फ़ायदा नहीं है कॉम्पिटेंट मार्केट uh, में कॉम्पिटेंसी को टैप करना बहुत uh, एक असेंशियल पार्ट है और हम किसी चीज़ का फीडबैक कैसे जान पाते हैं अगर हम उस चीज़ का रेगुलर ऑडिट करते हैं तो कमांडिंग के प्रोसेस uh, के अंदर ये सब कुछ uh, सारी प्रोसेस इनकालकेट uh, हो जाती हैं फोर्थ इज़ कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज द नीड्स ऑफ अदर टीम्स एंड देर ऑब्लिकेशन टू देम कमांडिंग हो गया कोऑर्डिनेटिंग कैसा होगा आप किसी भी कंपनी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट दो काम नहीं करता सपोज हम अगर जनरली बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट है एच डिपार्टमेंट है मैंटेनेंस डिपार्टमेंट और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट department, तो डिपार्टमेंट्स में सिनर्जी मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कौन सा कहाँ जा रहा है क्या चीज़ कब करनी है ये नहीं पता चलेगा एंड द फिफ्थ फैक्टर इज कंट्रोलिंग checking if all the activities are going on as planned are the instructions being followed or not the fifth and the last point of discussion is controlling iska matlab ye hai ki aapne plan kar liya organize kar liya command kar liya coordinate bhi kar liya the last and final ultimate step is controlling आप ultimately देखोगे कि आपने जो काम decide किया था शुरुआत में वो आप at the end achieve कर पाए या नहीं जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे शुरुआत में क्या वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हुए या नहीं अगर ये सब हुआ है तो फिर आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हुआ है आपने मिनिमम इनपुट दिया है और आपने मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया है थैंक यू